प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अमल अक्षारक एवं लवण। अब सबसे पहले मैं आपको बहुत ये सिंपल से एग्जांपल देकर के आपको ये समझाऊंगा कि अमल क्या होते हैं। क्योंकि अमल वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अमल कहलाते हैं। अब मैं आपको जो चीज बताई है उसको अच्छी तरह से समझाता हूँ कि अमल से के स्वाद से हम भली भांति परिचित है कि नींबू के स्वाद को तो सभी जानते हैं, सभी ने चख के देखा होगा। अब इसके जो रस निकलता है उस रस में क्या होता है? एक विशेष प्रकार का अमल होता है जिसको हम सिट्रिक अमल कहते हैं। अब ये लिटमस पत्थर मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अब देखिए कि प्रयोगशाला में बहुत सारे अमल ऐसे होते हैं जिसको आप चक करके नहीं देख सकते, बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लिटमस पत्थर का यूज करते हैं। हमें अगर चेक करना हो कि कोई पदार्थ अमल है या अक्षारक है, तो देखिए ये मैंने आपके लिए दो लिटमस पत्थर जो है बाजार से परचेज किए थे। तो इसमें देखिए ये ब्लू लिटमस है और ये रेड लिटमस पत्थर है। ओके, देखिए इनको आप इन लिटमस पत्थरों को आप इस तरह से अलग भी कर सकते हैं पाड़ करके। यहां से मैं एक इसका पत्थर जो है वो अलग कर लेता हूँ। ये नीला लिटमस पत्थर है और ये एक हम यहाँ से लाल लिटमस पत्थर ले लेते हैं। ये एक लाल लिटमस पत्थर हमने ले लिया है। अब देखिए अमल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसका कुछ रस हम इस नीले लिटमस पत्थर पर डाल करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए नीले लिटमस पत्र पर जैसे ही पड़ा इसका रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। ओके, क्लियर। तो इस तरह से जितने भी अमल हैं वो नीले लिटमस को किस में बदल देंगे? लाल कलर में बदल देंगे। ओके, लेकिन लाल कलर वाले लिटमस पत्र पर अमल का कोई इफेक्ट नहीं होता। देखिए इस पर मैं कुछ बूंद आपको डाल करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस पे बूंद डाली। ओके, लाल लिटमस पत्थर पर अमल का कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, कलर एज इट इज रह जाता है, ये ध्यान रखना। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस तरह से जितने भी अमल है वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। और लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है लेबोरेटरी में, तो या फिर हम उस सॉल्यूशन में अमल की कुछ बूंदे डालने तो भी उस नीले लिटमस सॉल्यूशन का रंग भी जो है लाल हो जाता है। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जैसे हम अनीला एक शब्द याद रखते हैं, अनीला एफ और अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ओके, अमल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इस तरह से बाकी जो लैब के अंदर हम अमल यूज करते हैं उनके नाम, हाइड्रोक्लोरिक अमल जिसका सूत्र HCl है आपने याद रखना है, सल्फ्यूरिक अमल इसका सूत्र H2SO4 है, नाइट्रिक अमल HNO3, ये सारे सूत्र समेत आपने याद रखने हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राकृतिक रूप से हमें कौन कौन से अमल जो है वो पाए जाते हैं हमारे पास। तो जैसे संतरा नींबू वगैरह जो है इसमें जो अमल पाया जाता है इसके रस में उसका नाम सिट्रिक अमल है। सेब में जो अमल पाया जाता है, क्योंकि सेब भी खट्टा होता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें अमल होता है। जैसे सेब में मैलिक अमल होता है, सिरका जो अचार वगैरह में हम यूज करते हैं उसमें एसिटिक अमल होता है, टमाटर में ऑक्सोलिक अमल होता है, जट रस में हाइड्रोक्लोरिक अमल होता है, इमली में टार्ट्रिक अमल होता है,
दही या खट्टा दूध जो है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। इसी तरह से प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है, और कई बार आपने लाल चींटी का डंक भी सहा होगा कि तो उसमें जलन होती है, वो किस वजह से होती है, क्योंकि उसके डंक में क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल या जिसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं वो होता है। और नेटल एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो पहाड़ों में पाया जाता है, उसके पत्तों पर छोटे छोटे कांटे से होते हैं, जो वो चुभ जाते हैं, वो भी जैसे चिंटी का डंक की तरह से दर्द करते हैं, और उसमें भी सेम टू सेम वही अमल होता है जो चिंटी के डंक में होता है, मेथेनोइक अमल या फॉर्मिक अमल होता है। ओके, तो अब आगे देखिए कि दूसरा हमने जैसे चैप्टर का नाम पढ़ा था अमल, अक्षारक और लवण। अमल मैंने आपको बता दिया है कि वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अमल कहते हैं। अब जैसे आगे आता है अक्षारक क्या होता है। अब अक्षारक जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब देखिए कि मैंने यहाँ पर एक इसको भी एक्सपेरिमेंटली दिखाने के लिए यहाँ पर एक ये डिबिया में साबुन घोल के रखी हुई है, और साबुन का घोल जो है अक्षारक होता है, और ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ से मैं एक लाल लिटमस पत्र और लेता हूँ और इसको मैं चेक करवाता हूँ आपको भी। ये लाल लिटमस पत्र है, ध्यान से देखिए, जब इसको हम साबुन के घोल में डुबो देंगे तो देखिए कैसा हो गया, नीला हो गया ना। ओके, तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है, जबकि नीले लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखिए नीला लिटमस पत्र है, ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, इसके अंदर देखिए इसके रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, ये जो थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ रहा है सिर्फ गिल्लेपन की वजह से आ रहा है, बाकी इसके कलर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखिए अक्षारक की परिभाषा भी हम आसानी से लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो यहां से देखिए कि आपने जैसे ये ट्रिक तो याद रखी है नीला वाली कि अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो अक्षारक के लिए इसको उल्टा कर दो, लाल को नीला करते हैं, यानी एक याद रख लो, दूसरा तो अपने आप इससे रिवर्स कर देना आप कि अमल नीले को लाल करते हैं, अक्षारक लाल को नीला करते हैं। तो अगर ये पहले वाली ट्रिक याद रखोगे दूसरी ऑटोमेटिक याद रह जाएगी, क्योंकि इससे उल्टा ही करना आपने। ओके, तो अब देखिए कि इसके अक्षारक के अगर हम उदाहरण देखें तो कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसका फार्मूला याद रखना है। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की OH, इसका भी रासायनिक सूत्र जो आपने याद रखना है। क्लियर। अब अमल अक्षारक सूचक कि देखिए कि अभी हमने जो लिटमस पत्र देखा वो क्या था, एक सूचक ही था जिससे हमें यह पता लग जाए कि कोई भी पदार्थ जो है वो अमल है या अक्षारक है। ओके, तो ये लिटमस पत्र कैसे बता रहा था कि कोई चीज अमल है या अक्षारक है, अपने रंग में परिवर्तन करके। इसी तरह से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जिनके सॉरी कि जो अमल या अक्षारक के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके गंध में भी परिवर्तन आ जाता है, कईयों के रंग में परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं, अमल अक्षारक सूचक कहलाते हैं। ठीक, जैसे लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस पत्र जो है ये किस्म का सूचक ही है। तो देखिए मैं पढ़ा देता हूँ आपको कि ऐसे पदार्थ जो विलयन में अमल या अक्षारक के साथ मिलकर के अपना क्या कर लेते हैं, या तो रंग चेंज कर लेते हैं या फिर अपनी जो गंध जो है, स्मेल जो है वो चेंज कर लेते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अमल अक्षारक सूचक कहलाते हैं। तो इसी आधार पे
हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, अम्लीय अक्षारक के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक और दूसरा गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। गंध में जिनके परिवर्तन होता है, उनके स्मेल में जो परिवर्तन होता है, ऐसे सूचकों को हम गंधीय सूचक भी कह देते हैं। ओके, रंग में परिवर्तन करने वाले सूचकों में नीला लिटमस है। नीला लिटमस जो है अम्ल के साथ मिलकर के उसको क्या बना देगा, लाल बना देगा। ओके, हल्दी जो है, जो हम सब्जी वगैरह में यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में टर्मेरिक भी कह देते हैं, ये भी एक किस्म की सूचक है कि ये अक्षार को डिटेक्ट कर सकती है। जो हल्दी जो है अक्षार के साथ रिएक्ट होती है, अक्षारकों के साथ मिलती है, तो हल्दी का रंग वैसे कैसा होता है, पीला होता है, लेकिन अक्षारकों के साथ मिलकर के इसका लाल भूरा रंग हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि मान लिया किसी कपड़े पर जो है सब्जी का दाग लग गया, उसको जैसे हम साबुन से धोते हैं, तो सब्जी का दाग जहां पर लगा है वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों, वो इसी वजह से हो जाता है कि हल्दी जो है वो साबुन क्या है, एक अक्षारक है, ठीक, और हल्दी उस अक्षारक के साथ मिलकर के जो अपना रंग चेंज कर लेती है और लाल भूरे रंग की हो जाती है। ठीक, तो ये हमने लिखा कि इसी कारण कपड़े पर लगा सब्जी का निशान जो अक्षारी साबुन से धोने के बाद कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। इसी तरह से आप अपने स्कूल के लैब में जो है फिनोफ्थलीन भी देख सकते हो, जो कि शुरू में रंगहीन होता है, लेकिन उसमें कुछ बूंदे अक्षार के डालोगे तो ये कैसे हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज भी एक जो है संश्लिष्ट सूचक है, लैब में तैयार किया जा सकने वाला एक सूचक है। ये अम्ल के साथ लाल तथा अक्षारक के साथ पीला हो जाता है, कि अगर इसमें अम्ल की कुछ बूंदे डालोगे तो क्या हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, और अक्षारक की बूंदे अगर आप डालोगे तो किस रंग का हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। तो ये वो सूचक है जो अम्ल या अक्षारकों के साथ मिलकर के अपना रंग चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से जो है गंधीय सूचकों में जो है मेनली हम पढ़ते हैं कि जैसे प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं, लौंग का तेल है, ये जब अम्ल या अक्षारकों के साथ मिलते हैं तो जो इनकी जो नेचुरल स्मेल जो होती है, जो इनकी नेचुरल गंध जो होती है, उससे अलग टाइप की जो गंध है वो पैदा करेंगे, या फिर इनकी कई बार गंध भी गायब हो जाती है। ठीक, तो उसी गंध में परिवर्तन के कारण जो अम्ल या अक्षारकों की उपस्थिति का पता हमें लग जाता है। ओके, अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जो है आपके पास आया है कि आपको तीन टेस्ट ट्यूब दे दी है, तीन प्रकनलियां आपको दे दी गई है। जैसे मान लिया ये प्रकनली ए है, ये प्रकनली बी है और ये प्रकनली सी है। अब इनमें एक में तो जल है, ठीक, अब कौन सी में जल कोई पता नहीं है, और बाकी जो दो बचेगी उसमें से एक में तो अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्या है, अक्षारीय विलयन है। ठीक, और आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पत्र दे दिया गया है। कैसा दे दिया गया है, रेड लिटमस पत्र दे दिया, तो आप कैसे पहचान करोगे कि किस प्रकनली में कौन सा पदार्थ है। ओके, तो अब देखिए कि यहां पर ये मान लीजिए कि आपके पास प्रकनलियां हैं, इसमें से एक जैसे मान लीजिए यहाँ प्रकनली है, उसमें मान लेते हैं कि पानी है। ठीक, फिलहाल तो हमें पता नहीं कि किसमें पानी है, किसमें अम्ल, किसमें अक्षारक है। तीनों का रंग भी मान लीजिए कि सेम है, और आपको क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक लाल रंग का लिटमस पत्र दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि लिटमस पत्र जो है सिर्फ लाल रंग के हैं, तो तीनों में आप क्या करो, एक एक लिटमस पत्र डाल के देखो। जैसे मान लिया इसमें डालोगे जल है, जल के पास, जल के साथ लिटमस, लाल लिटमस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप इसमें अक्षारक में डालोगे तो देखिए, सॉरी, अगर मान लिया इसमें डाला तो देखिए कि लाल लिटमस पत्र लाल ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये अम्ल है। और जब लाल लिटमस को आप इसमें डालोगे तो देखिए क्या हो गया,
नीला हो गया, ठीक, क्या हो गया, नीले रंग का हो गया, ठीक। तो अब देखिए कि जो नीला रंग है, अब लाल लिटमस नीला हो गया, तो इसका मतलब ये तो अक्षारक हो गया, कंफर्म हो गया। अब रह गई ये दोनों, अब इसमें से किसमें अमल है किसमें जल है इसका नहीं पता लगेगा, तो इसको नीले कलर को बारी बारी दोनों में डुबो दो। नीले को जैसे मैंने यहां डुबोया तो नीला कलर जो नीला लिटमस जो वापिस क्या हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। ओके, ये देखिए वापिस कैसे रंग का हो गया, लाल। तो इसका मतलब ये क्या है, अमर। अगर इसी को हम यहां डुबोते तो कोई असर नहीं होता क्योंकि ये तो पानी था। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि तीनों प्रकनलियों में से कौन सा अमल है, कौन सा अक्षारक है। तो एक बार फिर से कि जो रेड लिटमस होगा, लाल लिटमस पत्र होगा, उसको एक बार तीनों में डुबो के देखेंगे, ठीक। जिसमें अमल होगा और पानी होगा, उस उन दोनों में रेड लिटमस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अक्षारक होगा वो रेड को किसमें चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। फिर जो ब्लू हो गया हमारा, नीला कलर जो हो गया, उसको बारी बारी से दोनों में डुबो के देखेंगे। जिसमें कलर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब वाटर है, पानी है, और जिसमें कलर वापस लाल हो गया इसका मतलब वो एसिड है। ओके, यही चीज मैंने यहाँ पर आपको लिख के समझाई है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। और ये पूरे के पूरे पीडीएफ नोट्स जो है मैंने मेरे ब्लॉग पे डाल दिए हैं, वेबसाइट पे डाल दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम अम्लों और अक्षारकों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। अगर दिल करे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।